हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टी टाइम स्नैक की रेसिपी जिसका नाम है नमक पारे। ये नमक पारे बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। जब भी आपको कुछ करारा, कुछ खस्ता खाने का मन कर रहा हो, कुछ आपका चाय के साथ खाने का मन कर रहा हो, तो आप ये बनाकर खा सकते हैं। इसको बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी रेसिपीज़ आप मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए देखिए, हमने एक कप मैदा ली है, तो एक कप मैदा के हिसाब से मैं बाकी की चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो अगर आप एक कप मैदा ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आप उसमें डालें एक चौथाई कप के करीब रिफाइंड ऑयल। एक चम्मच आप इसमें अजवाइन डाल दें, इंग्लिश में इसको हम कैरम सीड्स भी बोलते हैं। हमें नमक डालना है स्वाद के अनुसार, वैसे मैंने यहाँ पर लगभग एक चम्मच नमक डाला है। चलिए इसका आटा हम मार लेते हैं। आटा तैयार करने के लिए एक बड़ा सा बोल हमने लिया है, कोई भी परात, कोई भी थाली आप ले लें, और उसमें हम डालेंगे ये मैदा। तो मैदा डालने के बाद इस तरह से हम एक वेल सा बना लेंगे और उस वेल में हम डालेंगे ऑयल। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो देशी घी भी डाल सकते हैं, कोई और वेजिटेबल ऑयल भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ऑयल हमने इसमें डाल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चम्मच डाला है। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है नमक पारे का, तो मैंने इसमें एक चम्मच अजवाइन डाल दिया है। तो हाथों से अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। मैदे में हमको जो ऑयल हमने डाला है उसको इनकॉर्पोरेट करना है, मिक्स करना है। तो अच्छे से सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है, ड्राई जितने ये इंग्रेडिएंट्स हैं ऑयल के साथ, सबको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो दोनों हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आप इसको इसी तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से जब आप इसको बांधेंगे तो लड्डू सा बन जाएगा। तो ये इसकी पहचान है कि बहुत अच्छे से ये इसमें ऑयल आ चुका है, बहुत अच्छे से इसमें ऑयल की मिक्सिंग हो चुकी है। अब ये देखिए, लगभग मैं आधा कप पानी ले रही हूँ और इस तरीके से लगातार हम इसको करते हुए आटा लगा लेंगे। हमें इसका ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा तैयार करना है। आटा हमारा ये देखिए मैंने गूंद लिया है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसको हम फिर से मल लेंगे। ये देखिए हल्का सा हाथों पे मैंने घी लगा लिया है, उसकी सहायता से हम इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आप इसको चिकना भी ना करें, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ढककर रख देंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के बाद ये देखिए आटे को मैंने फिर से अच्छे से मल लिया था, और मैंने एक कप का जो आटा था, एक कप से जो हमने आटा बनाकर तैयार किया था, उससे मैंने 2 लोई तोड़ी हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से लोई मैंने बना ली है। तो मैं यहाँ पर 2 रोटियाँ बेलूंगी, 2 लोई से 2 रोटियाँ मैं अलग अलग बेलूंगी। तो एक रोटी से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से नमक पारे तैयार करना है। तो ये देखिए, इस तरह से चकले पर हम रोटी को बेल लेंगे। तो जिस तरह से पराठा या रोटी आप बेलते हैं उस तरह से बेल लें, और जितनी भी आप थिकनेस रखना चाहते हैं उतनी थिकनेस रखें। ये देखिए, बेलने के बाद इस तरह से नाइफ से आपको काटना होगा। पहले आप वर्टिकल काटें और बाद में आपको हॉरिजॉन्टल काटना होगा। तो ये देखिए, नमक पारे हमने वर्टिकल काट लिए हैं। अब इसको हम, ये देखिए चकला मैंने घुमा दिया है, इसको इस तरह से हम काट लेंगे। तो अपने हिसाब से आप किसी भी साइज़ के नमक पारे तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत छोटे छोटे भी नमक पारे बना सकते हैं। तो ये देखिए, नमक पारे के स्ट्राइप्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। और जो साइड्स, इस तरह से आप इनको अलग अलग कर दें, और जो छोटे छोटे से पीसेज होते हैं नमक पारे के, जो जिनकी शेप बिल्कुल अच्छी नहीं होती, आप उनको इस तरह से गैदर कर लें हाथ में, और उसके बाद आप इसकी लोई वापस से बना सकते हैं। चाहें तो आप इसकी थोड़ी छोटी छोटी सी मठरी बनाकर डाल सकते हैं, और चाहें तो आप इसको दोबारा बाकी के बचे आटे में मिक्स करके आप इसकी फिर से लोई बनाकर और बेलकर और फिर से आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था, ऑयल हमारा मीडियम हॉट है, और उसमें मैंने धीरे धीरे करके इसमें एक बैच डाल दिया है हमारे नमक पारे का। नमक पारे को हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर सेकेंगे। तो जिस हिसाब से आपने ऑयल लिया है, जितनी क्वांटिटी में लिया है, उसी हिसाब से आप इसमें डालें नमक पारे। बहुत ज़्यादा भी ना आप भरें, वरना ये अच्छे से सिक नहीं पाएंगे और कच्चे रह जाएंगे। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको इसको सेकना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको सिकने में लगभग 12 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है। अगर आप इसको स्लो फ्लेम पर सेकेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बहुत ज़्यादा ये करारे बनते हैं, एकदम मार्केट स्टाइल बनते हैं। तो अगर आप मार्केट वाला टेस्ट चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, तभी आपके जो ये स्नैक्स हैं एकदम बढ़िया बनकर तैयार होंगे। और मैंने जैसा बताया है, आप इसको इसी तरीके से अपने घर में बनाइएगा, बिलीव मी बहुत अच्छे बनेंगे। और मुझे अगर आपको आपकी ये रेसिपी अच्छी बने
तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसे बने। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और इनमें आप देख सकते हैं कलर आ गया है, पर अभी थोड़े से कच्चे हैं, अभी इसको हम 5 मिनट तक और भुनेंगे। तो आपकी फ्लेम पे भी डिपेंड करता है कि आपके नमक पारों को भुनने में कितना टाइम लगता है, सिकने में कितना टाइम लगता है। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए आप इसको सेक लें और एक बहुत बढ़िया सा कलर आने तक आप इसको सेकते रहें। बीच में आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी लोई थी, जो साइड्स अनइवन शेप के जो नमक पारे बचे थे ना, उसकी मैंने एक लोई बना के इसमें डाल दी है और वो मैं मठरी की तरह से यूज़ करूँगी। तो आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, सिककर बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है हमारे नमक पारों में। इसको हम किसी भी एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर का यूज़ किया है, आप कोई भी एब्जॉर्बेंट पेपर ले सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, हमारे नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही खस्ता एकदम करारे बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। आप इसको ठंडा करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आराम से एक महीने के लिए रख सकते हैं, आराम से आप उसको खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। सी यू।